करनाल के मटका चौक पर भीषण गर्मी को देखते हुए आने जाने वाले राहगीरों के लिए भंडारा लगाकर सेवा की गई, जिसमें मॉडल टाउन शिवपुरी में लावारिस शवों का हिंदू रीति रिवाज के अनुसार दाह संस्कार करने में सहयोग देने वाले राजीव चौधरी और उनके साथियों द्वारा चने का प्रसाद, अमूल की लस्सी व मीठे पानी के माध्यम से लोगों की सेवा की गई। उन्होंने कहा कि भगवान शिव के आशीर्वाद से हर बरस सेवा की जाती है और आगे भी ऐसे जारी रहेगी। यहाँ हम आपको बता दें कि करनाल एक धार्मिक नगरी है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की धार्मिक व सामाजिक संस्थाएं गरीब असहाय लोगों की सेवा के साथ साथ जल सेवा का कार्य भी गर्मी के दिनों में समय समय पर करते रहते हैं और पुण्य के भागीदार बनते हैं। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण कर धर्म लाभ प्राप्त किया। इस उपलक्ष्य में लगाया जा रहा है, कोई उपलक्ष्य नहीं है, बहुत भीषण गर्मी है। भोले बाबा के आशीर्वाद से महाकाल के भक्त मॉडल टाउन शिवपुरी में रोज सेवा करते हैं सुबह श्मशान सेवा। गर्मी का मौसम देखा तो सभी महाकाल के भक्तों ने बहुत सारे प्यारे भाइयों के साथ मिलके हमारे गायत्री मित्र जी हैं, हिमांशी सुखीजा जी हैं, सभी को दिखाइए, काला जी हैं, सभी भैया हैं, वेद जी हैं, और बहुत सारे भाई हैं। सभी लोगों ने बड़े मन भाव से पहली बार करनाल के अंदर जल की छबीले लगी है, मीठे पानी की छबीले लगी है, दूध की छबीले लगी है, पहली बार लस्सी अमूल की लस्सी चले हम चने का हलवे का प्रसाद रखा गया है। भोले बाबा ने कृपा रखी तो इसमें अगली बार कोई और नया आइटम करनाल की जनता के लिए देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मीडिया का, सहयोगी का, हिमांशी भैया से। आप कोई भी क्या नाम आपका? कोई चौधरी क्या नाम आपका? मेरा नाम राजीव चौधरी है। क्या क्या करते हैं आप? कुछ नहीं करते हैं, ये सेवा कार्य है, सब का कार्य है। करनाल एक धार्मिक क्षेत्र है, यहाँ पर आए दिन धार्मिक कार्य होते रहते हैं और ऐसा ही एक कार्य शिवपुरी मॉडल सेवादारों के द्वारा मटका चौक पर किया गया, जहाँ पर अमूल की लस्सी और चना हलवा के साथ राहगीरों की प्यास को बुझाई गई, साथ में उन्हें खाने के लिए हलवा भी दिया गया। और ऐसा करनाल में पहली बार हुआ है कि जब किसी ने लस्सी की छबील लगाई है। सीनियर कैमरा पर्सन सनी चौधरी।